प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को एक बिल्कुल ही नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। यह जो वीडियो है वो 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है और विषय है हिंदी। आज के इस वीडियो में मैं गबन उपन्यास का पार्ट टू लेकर आया हूँ और इसके पहले मैं पार्ट वन बना दिया हूँ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 11 हिंदी सेमिस्टर वन। यदि आप सेमिस्टर वन की तैयारी कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गंवाए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं लगभग 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके गबन उपन्यास से जुड़ा हुआ है। ये गबन उपन्यास का पार्ट टू वीडियो है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं, यदि आप क्लास 12 की प्रिपरेशन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट होकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस कराऊँगा। चलिए देख लेते हैं, ये ऑफर जो होगा सिर्फ कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है। पहला प्रश्न देखिए, नाटक का पास होता है तो जब रसिक समाज इसे पसंद करता है, बारात का नाटक कब पास होता है तो जब राह चलते आदमी उसे पसंद करते हैं, बारात की परीक्षा कितने समय की होती है तो केवल कुछ मिनट का, दयानाथ का तमाशा शहर में कौन से दर्जे में आता है तो तीसरे दर्जे में आता है, गांव में दयानाथ का तमाशा कौन से दर्जे में आया है तो पहले दर्जे में आया है, द्वार चार के समय जालपा ने रमानाथ को कहां से देखा है तो छत से, दयानाथ का तमाशा कौन सी चीज़ मनोरंजन का केंद्र थी तो आतिशबाजी। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है, यह किस समय हुआ है तो रात के समय, चढ़ावा देखने के लिए लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं तो सब काम छोड़कर दौड़ते हैं, शहजादी के अनुसार चंद्रहार का महत्व क्या है तो गहनों का राजा, जलपा के मन में कौन सी लालसा अंकुरित हुई थी तो चंद्रहार पाने के, जलपा ने किस मूर्ति को पटका तो शिव की मूर्ति को, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राधा ने जलपा से क्या कहा, तुम्हारे चढ़ाव में सब कुछ है, जलपा का कलेजा क्यों धक धक कर रहा था चंद्रहार की चिंता से, मानकी ने किसकी रोनी सूरत बनाई तो चंद्रहार न आने की, जालपा की सखियों ने किसे देखकर हंसी रोकी तो शहजादी को, शहजादी ने जलपा से क्या वादा किया था चंद्रहार के लिए आग्रह करने का, जलपा ने किस चीज़ को उठाकर फेंक देने की सोची थी तो शहजादी चढ़ावा को, शहजादी ने जलपा को क्या दिखाया था तो सास ससुर को याद, क्या सिखाया था मैंने सास ससुर को याद दिलाने का तरीका, जलपा ने किस चीज़ को सस्ती कहा था तो गहने को, महाशय दयानाथ किस भावना से विवाह करने गए थे तो उत्साह के साथ, दयानाथ का विवाह करने के बाद का मनोभाव क्या था तो हतोत्साहित, यानी वो बहुत डर गए थे, घबरा गए थे। विवाह के खर्च के लिए दयानाथ ने किसे दोषी ठहराया था तो रमा को, शराफ को कितने दिन बाद 1000 रुपये देने का वादा था तो 7 दिनों बाद, दयानाथ ने किस्त में शराफ को पैसे देने की बात कब की थी तो 7वें दिन, दयानाथ की बेटी का नाम क्या है तो जलपा, जालपा को चंद्रहार न मिलने पर क्या महसूस हुआ है तो दुख, दयानाथ के परिवार में किसे महाजन से बात करने की सलाह दी गई है तो रमा को, दयानाथ का पुस्तकालय में जाने का क्या कारण था तो पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, रमा का पहला विचार क्या था जब उसने जालपा से गहने मांगने के बारे में सोचा तो लज्जा, दयानाथ ने किसे चुपचाप गहने उठाने का सुझाव दिया था तो रमा को, रमा किसके साथ ताश खेलता था तो गोपी और विश्वंभर के साथ,
दयानाथ किस बात को लेकर परेशान था तो महाजन का तकाजा। जागेश्वरी किसे गहने वापस करने का सुझाव देती है तो जालपा को। रमा को क्या लगता है कि जालपा से गहने मांगने पर उसे क्या कहेगी तो तुम झूठे हो। रमा के मन में क्या विचार आया तो गहने चुपचाप उठा लेना। रमा को जालपा से गहने मांगने पर क्या महसूस होता है तो लज्जा। दयानाथ का कौन सा कार्य उन्हें रमा की नज़रों में लबाडिया बनाता है तो गहने मांगना। दयानाथ ने कितने रुपए के गहने के लिए महाजन को टालने का प्रयास किया था तो 1,000। रमा ने जलपा को क्या दिखाया था तो फूलों के गहने। जलपा को अपने घर में किसकी कमी महसूस होती है तो दूध दही घी की। रमा ने जलपा को क्या झूठ बताया था तो उपयुक्त सभी है, जो भी ए बी और सी है ये सभी होगा। रमा का कौन सा विचार उसे कपट और निर्दयता से भर देता है तो गहने चुपचाप उठाना। जालपा की अनुपम छवि ने रमा पर क्या प्रभाव डाला था तो मोहिनी। दयानाथ का कौन सा कार्य जालपा से गहने मांगने में उनके संकोच को बढ़ाता है तो उपयुक्त सभी ए बी सी। जालपा के घर में किसकी कमी थी तो नौकर की। उसके बाद है दयानाथ ने रमा को गहने लाने के लिए क्या कहा था तो गहने मांगना। रमा का मन किस बात पर कचोट रहा था तो गहने चुपचाप उठाने पर। रमा ने जालपा को क्या पहनाया तो फूलों के गहने। जालपा का कौन सा गुण रमा के मन में लज्जा उत्पन्न करता था तो सच्चाई। जालपा के पास दहेज के रूप में क्या थी तो सोने का हार। रमा ने किस काम के लिए कर्ज लिया था तो शादी के खर्च के लिए। रमा के मन में क्या विचार आया जब उसने जालपा से गहने मांगने के बारे में सोचा था तो लज्जा। दयानाथ किस दिन महाजन के पास जाने का वादा करते हैं तो मंगलवार के दिन। जलपा का सबसे बड़ा गहना क्या था तो चंद्रहार। दयानाथ ने महाजन से कितना कर्ज लिया था तो 1,000 रुपये। दयानाथ किसे कर्ज चुकाने के लिए भेजना चाहते थे तो रमा को। महाजन का नाम क्या था तो विश्वंभर। जालपा के गहनों का कुल मूल्य कितना था तो 1,000। दयानाथ ने जलपा से गहने मांगने के लिए किसे भेजा था तो रमा को। रमा का कौन सा गुण जलपा को गहने देने में सहायता करता था तो संकोच। महाजन को दिए गए वचन को निभाने के लिए दयानाथ ने क्या किया था तो रमा को भेजा था। दयानाथ ने किससे पैसे मांगने का निर्णय लिया था तो जलपा से। दयानाथ किस प्रकार के व्यक्ति थे तो कमजोर। दयानाथ के कौन से गुण ने रमा को प्रभावित किया था तो ईमानदारी। रमा का निर्णय जलपा से गहने मांगने के बारे में क्या था तो मुश्किल। जलपा के पास चंद्रहार के अलावा और कौन से गहने थे तो झुमके और कंगन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रमा ने जलपा से गहने मांगने पर क्या सोचा तो जलपा नाराज होगी। दयानाथ का मन किस बात से परेशान था कि महाजन का तकाजा से। रमा ने गहने मांगने से पहले किससे सलाह ली थी तो किसी से नहीं। जलपा का कौन सा गहना सबसे प्रिय था तो चंद्रहार। दयानाथ का कौन सा गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाता है तो ईमानदारी। जालपा के गहनों के बारे में किसने चिंता व्यक्त की थी तो रमा ने। रमा का कौन सा निर्णय उसे सबसे अधिक कठिनाई में डालता है तो गहने मांगना। जलपा के पास कितने गहने थे तो 4। दयानाथ की चिंता का मुख्य कारण क्या था तो कर्ज। रमा ने जलपा से गहने मांगने का साहस क्यों नहीं किया दयानाथ के दरबार में। महाजन का तकाजा किसके लिए था तो दयानाथ के लिए। जालपा का क्या मनोभाव था जब रमा ने उससे गहने मांगे तो नाराजगी। दयानाथ की किस बात ने रमा को परेशान किया था तो गहने मांगने का दबाव। जालपा ने रमा को क्या दिया था तो चंद्रहार। महाजन का व्यवहार कैसा था तो कठोर। जालपा का क्या विचार था गहने देने के बारे में, मजबूरी में देना पड़ा उसको गहना। रमा ने जालपा से गहने किस प्रकार मांगे तो संकोच के साथ। दयानाथ के मन में किस बात की चिंता थी तो महाजन का तकाजा को लेकर।
महारमा का कौन सा कदम सही साबित हुआ तो गहने मांगना। जालपा का क्या विचार था रमा के बारे में, वह ईमानदार है। महाजन का क्या नाम था तो विश्वंभर पहले भी आ चुका था। दयानाथ ने किस दिन महाजन के पास जाने का वादा किया था तो मंगलवार का दिन था वो। जलपा के गहने का कुल मूल्य क्या था तो 1000। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर इसके पार्ट 3 वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।